हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण पूर्वक अब हम आचमन अंग स्पर्शादि करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के लंबा गहरा श्वास भरते हुए, जैसे हमने पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण किया, ऐसे ही मंत्रोच्चारण पूर्वक तीन बार हम जल सिंचन करेंगे। इस जल का पान करेंगे मंत्रोच्चारण के पश्चात। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया होती है। आइए दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे ॐ सत् त्यम यश श्रीर्मय श्री श्रयतम स्वाहा। तीन बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथों को इस प्रकार से धो लेंगे। हस्त प्रक्षालन के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों से जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए हम पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और इंद्रियों की शक्ति के प्रभु से कामना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांग म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसंतु। सभी अंगों पर, हुयो पर जल का छिड़काव करते यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया यह संपन्न हुई। अब हाथ जोड़ते हुए, सीधा बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना, स्तुति, उपासना करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए वेद के आठ मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ प्रजा आपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा आ। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन म उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए ॐ भूर्भुवः स्वः अब श्रुव के अग्र भाग में कपूर को इस प्रकार रख करके इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त कर अगले मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना। तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी संविधा गाय का घी आदि सिंचित करके इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च। अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो हमने गाय के घी से भिगाई हुई आठ आठ अंगुल की तीन संविधाएं रखी हैं उसको दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार पकड़ लेंगे और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा पूर्वक अंतिम में संविधा की आहुति देते हुए संविधा ध्यान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्य स्ववर्ध स्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ। इदमग्नये जात वेदसे इदन्ना ममा। दूसरी संविधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुस्सविद्धा यसोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतन। अग्नये जात वेदसे स्वाहा आ। इदमग्नये जात वेदसे इदन्ना ममा। तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा आ। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पांच घी की आहुति प्रदान करेंगे।
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। यह हमने पंचघृत आहुति प्रदान करके अग्नि को और विशेष रूप से हमने प्रदीप्त किया। अब हम जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे। वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे। वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। चौथी बार जल लेंगे और वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के पश्चात। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुना तु वाचस्पतिर्वाचन स्वदतु। वेदी के ईशान कोण पूर्व दिशा से प्रारंभ करके वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए अब दीपक को ईशान कोण पर छोड़ा है, वहीं पे कलश को भी ईशान कोण पे रख देते हैं। यह हमने जल सिंचन किया। अब आघारा वाज्य भाग आहुति चार घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। वेदी के मध्य में स्थित संविधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त संविधा है उसके ऊपर एक आहुति और दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में स्थित संविधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए और दो मध्य में आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी की। ओ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां रखी उन जड़ी बूटियों की भी साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे, पहले प्रातःकालीन मंत्रों से, फिर सायंकालीन, फिर उभरकालीन मंत्रों से। ओम
सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की विशेष जो आहुतियां हैं वो संपन्न हो गई। इससे अतिरिक्त अब हम विशेष यज्ञ करना चाहे तो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुति 7 आहुति 21 आहुति 108 आहुति प्रदान करते हुए विशेष यज्ञ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा
इस प्रकार यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की विशेष आहुतियों के साथ साथ हमने गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र से तीन तीन आहुतियां विशेष प्रदान की और उसके बाद पुनः आहुति, उसके बाद हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होते हुए अग्नि देवता से संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ॐ शांति 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 ॐ। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हमें प्रतिदिन यजन हवन अग्निहोत्र देव यज्ञम हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अनेकों लाभ है, अनंत लाभ है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्य तर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा।